आवाज इको होती है, उस प्लेस का नाम है इको पॉइंट। आज हम लोग आपको दिखाते हैं यहाँ के कुछ व्यू पॉइंट्स, तो वहाँ पे लेके चलते हैं। अभी हम लोग निकले अपने स्टेशन से, वो वाला आपने लास्ट वीडियो में देखा रहेगा। अभी एक पीजे आया है। क्या पीजे आया? हमारे व्यू का सिर्फ पॉइंट दिख रहा है। बस वही पॉइंट ही दिखेगा अभी, क्योंकि बारिश इतना तेज है। अभी तो खैर बारिश तेज नहीं है, नॉर्मल है, ये तेज होगी तो पता नहीं क्या ही होएगा। होटल के जो मैनेजर है उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो भैया ने बोला था यहाँ पे साहब आप आ जाते हैं, बट वो काटने वाले नहीं है कुछ, बट कुछ तो होंगे तो थोड़ा सा वो देख के चलना पड़ेगा। और अभी बारिश है तो स्लिपरी है थोड़ा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे एक लेक है, लेक पे चलते हैं, और वहीं शायद एक वाटरफॉल है तो वाटरफॉल देखते हैं। तो ये वाला रास्ता जाता है लेक के लिए, इधर जो लेक पॉइंट है वहाँ पे, और इधर एक वाटरफॉल भी है जहाँ पे अपन अभी चल रहे हैं। व्यूज तो देखते ही चलो कैसे कैसे, और है बारिश अभी तेज हो रही है, तेज हो क्या रही है, हो गई तेज, आवाज़ आ रही होगी बारिश की बहुत। थोड़ा देख के चलना, हम लोग माइक लाना भूल गए तो ऐसे ही रहेगा। अभी यहाँ पे रास्ता थोड़े ऐसे पत्थर वत्थर वाले, तो कभी भी आओ ना तो जो ग्रिप वाली चीज है ना वही पहन के आना। नीचे देख के चल रही है तब से गिरते, और तुम गिरे ना तो तुमको मारूंगी। मैं भी देख रहा हूँ नीचे देख। यहाँ पे आने का जो बेस्ट टाइम, अगर किसी को बारिश पसंद है तो वो तो अभी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। ये यहाँ का ऑफ सीजन है, और ऑफ सीजन में ये पूरा फुल है सब कुछ पहन के। ऑन सीजन में तो क्या ही होता रहेगा, दिख तो कुछ नहीं रहा है, क्या ही दिखाएंगे हम लोग, पर मजे बहुत आ रहे हैं। तो ये है यहाँ का सिलिया पॉइंट, आवाज पता नहीं कैसी आ रही रहेगी। और पहले वहाँ पे नीचे जा सकते थे, और वहाँ नीचे जाके देखो वहाँ सॉफ्ट भी दिख रही होगी, बट अभी बारिश तेज हो गई है ना तो यहाँ पे वाटरफॉल चलने लगा है, और जो उठा है, और ये जो पानी आ रहा है ना, ये पीछे जो लेक है उसका ओवरफ्लो का पानी है। पहले तो लोग वहाँ पे जाते थे नीचे, बट बारिश तेज होने की वजह से अभी वहाँ पे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, और सही भी नहीं है क्योंकि पता नहीं नीचे बहुत उधर खाई है जहाँ। तो चलते अभी यहाँ से, चलते हैं लेक पे, कितना दिखता है उधर देख। ये ओवरफ्लो का पानी जा रहा है, और जो लेक था वो इधर यहाँ पे है लेक, वो दिखाता हूँ। यहाँ पे ये डैम बना हुआ है जहाँ से ओवरफ्लो के पानी जा रहा है। ये है पूरा लेक जो कि दिख नहीं रहा है, फुल हो गया है। ये अभी कुछ टाइम पहले बिल्कुल खाली था, और अभी ये पूरा फुल हो गया है। एक तो रानी है यार वीडियो कुछ, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसमें कुछ भी कवर करके आए हम लोग, और यहाँ पे वैसे दिख तो कुछ भी नहीं रहा था, जितना है उतना इधर ये दिख, अरे दिखता है देखो, ये पूरा जितना दिख रहा है ना इधर, ये पूरा लेक है, और बहुत दूर तक है ये, बहुत दूर तक। तो यहाँ पे भोले बाबा का मंदिर है, उधर आए हम लोग, अभी मंदिर में दर्शन करते हैं क्योंकि सुबह सुबह है, फिर दर्शन करके बाकी की और जगह पे घूमने चलाएंगे। पॉइंट से जैसे पॉइंट से इतनी खास दिख नहीं रहे हैं बारिश की वजह से, तो आसपास की जितने कवर कर सकते हैं उतने कवर करेंगे, बाकी हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे दिसंबर वगैरह में तब सारे पॉइंट्स कवर करेंगे अच्छे। अभी मंदिर चलते हैं दर्शन करते हैं। अभी हम चलते हैं लॉर्ड पॉइंट, और वहाँ पे पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पर मैं दिखा दूँ कि ये पॉइंट ऐसा दिखता है। तो ये लॉर्ड पॉइंट पे टेलीस्कोप वगैरह भी है, जो कि अभी किसी काम के है नहीं, क्योंकि दिखने वाला तो कुछ है नहीं, पता नहीं कैसे रहेंगे। तो ये है यहाँ का लॉर्ड पॉइंट, और लॉर्ड पॉइंट पे क्या है टेलीस्कोप से यहाँ ये नज़ारा देखो। तो ये साइड में प्रवलगढ़ दिखता है यहाँ से, पहाड़ वहाड़ वगैरह, बट यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि बादल है सारे। तो वो सारी अगर चीजें देखनी है, सजेशन वही है कि बारिश में तो कभी ना हो, क्योंकि बारिश में बस बारिश के मजे ले सकते हो। यहाँ पे व्यूज वगैरह तो यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अभी हम लेक से होके आए, अभी जा रहे हैं ये सारे पॉइंट कवर करने, किंग्स पॉइंट, किंग एडवर्ड, जॉर्ज, इको, हनीमून एंड लुइसा। और कुछ ढक्कन लोग पता नहीं क्या ही करते हैं यार, सच में ये देखो अंदर बॉटल डाल के रखी है, कूड़ेदानी बना दिया इसको, मुझे तो डर लग रहा है अभी बारिश में हाथ डालने में, नहीं निकाल देता उसे। ये वाला रास्ता है ना, ये इको पॉइंट और किंग जॉर्ज पॉइंट, किंग एडवर्ड पॉइंट उधर जाता है, तो इस पेड़ पे चढ़ के बैठ सकती है, बैठ सकती है तो बता, नहीं तो फिर मैं चढ़ू। अभी फॉग है ना तो इको नहीं हो पाएगी आवाज, बट यहाँ से चिल्लाओ तो आवाज इको होती है, इस प्लेस का नाम है इको पॉइंट। हाँ करो पागल औरत। चलो एक बार मैं नीचे चल के और दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ तक आए हैं तो वहाँ तक का एक बार सीन, नीचे मतलब वहाँ पे जाके एक बार
और कितना मैं नीचे जाऊंगा, यहीं तक तो दिखा सकता हूँ बस। रुको, ये है पर देख कुछ नहीं रहा है, ये इसका एंड है। यहाँ पे इनको हवा हवा चल रही है। व्यू इतना प्यारा लगता है ना, ये बहुत प्यारा लगता है। फोटो अगर मुझे कहीं मिले तो मैं डाल दूंगा कि व्यू कैसा दिखता है ये, बट बहुत प्यारा लगता है। अभी तो ये ऐसा दिख रहा है। चलो चलते हैं यहाँ से। पॉइंट्स तो मुझे नहीं लग रहा कि ये वर्थ इट है यहाँ पे अभी घूमना, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है। तो देखते हैं अभी, अगर कुछ मिलता है तो, नहीं तो फिर वापस होते हैं। तो अभी ये टाइम पे पॉइंट तो नहीं दिख रहा है, मतलब जैसे है सारे वैसे ही, सब जगह जाओगे तो वैसे ही दिखेंगे जैसे अभी हम लोग देख के आए। तो यहाँ पे बाकी के सारे पॉइंट है ये साइड में, हनीमून, लुइसा, मलंग, कॉर्नेशन, चिनॉय और सनसेट पॉइंट, वो ये साइड है सारी, यहाँ जाके देख सकते हैं। 3.8 किलोमीटर मतलब 4 किलोमीटर तक जाओ तो सारे ये पॉइंट पूरे दिखेंगे। तो अभी मतलब नहीं बनता इधर जाने का, क्योंकि हम लोग अभी ये वाले पॉइंट देख के आए ना, तो सारे अभी सब के सब वैसे ही दिख रहे हैं। तो अभी यहाँ से चलते हैं हम लोग। तो ये प्रॉपर्टी ड्यून की है, बार हाउस जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया है आज, और इसको बोलते हैं वरांडा इन द फॉरेस्ट। ये इसका मेन गेट है और यहाँ से एंट्री ऊपर घर जाने का। ओ ओ ओ ओ बेटू 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 क्या हुआ? अच्छा ये वो वाला सेट है ग्रीन वाला। हाँ ये देखो दिख रहा है मेरे को, अभी यहाँ नहीं दिख रहा है, मुझे वीडियो में दिख रहा है बस। इसमें जहर नहीं होता, ये नॉर्मल है। इसको यहाँ के लोग पकड़ के फोटो वोटो ले लेते हैं, और मतलब जो आदिवासी लोग हैं, बाकी तो जैसे अपन है वो तो डरते हैं। पर नेचर को देखो जरा ना, उसने एकदम उसका मुंह भी ना वैसा है कि लीव जैसा दिखता है। सो फाइनली हमारा हो रहा है यहाँ से टाटा बाय बाय। और द बेस्ट चीज, अगर आपको प्रॉपर स्टेकेशन चाहिए जहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं जैसे हमने कल किया, क्योंकि यहाँ पे टीवी और फोन नहीं है, तो आपको कुछ भी करके झक मार के अपने पार्टनर के साथ ही टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। बट दैट वाज द बेस्ट थिंग। सो फाइनली हमारा हो गया टाटा बाय बाय, और मैं जा रही हूँ घोड़े पे बैठने। तो घोड़ा हमारा बाहर वेट कर रहा है और हम जा रहे हैं घोड़े पे। ऐसे करके हम लोगों को टिकट मिल गया है, और लास्ट मेरे पे खत्म हुआ था इसका टिकट। इसमें बस 90 सीट रहती है, और एक लोग चार टिकट बुक कर सकता है। तो जब मैंने बुक किया ना, तो बस अपना ही बचा था। और ये है इसका फ्रंट मेन, जहाँ से ये इंजन है इसका। एक वीडियो लेने लिख दिया बस, एक ऐसे पकड़े रहना बस, खड़ा तो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और ये है फर्स्ट क्लास कोच, बस इसी में टिकट बचा था तो ये वाला किया है। अभी यहाँ पे देखोगे को टिकट मिला है, और अनु यहाँ बैठी है, लास्ट सीट थी ये वाली जो इनको मिली। हम आखिरी थे। मेरे के लिए आगे खत्म हुई, क्योंकि वो जो पुलिस वाले थे वो काउंट कर रहे थे कि यहाँ तक खत्म हो जाएगी, और वो जो नॉर्मल वाले थे वो तो खत्म ही हो गए। ये फर्स्ट क्लास वाला था, ये बचा था, दो ही सीट बची थी इसमें, तो ये हमें मिल गई थी तकीबी। ये टनल आती है वो जगह पे जब नेरल से माथेरान आते हैं, वन किस टनल, बट ये अभी बंद है। नेरल से अमन रोज वाली नहीं चल रही है, क्योंकि बारिश बहुत है, बारिश के सीजन में ऑफ बंद कर देते हैं। बाय बाय माथेरान, जा रहे हैं हम, आएंगे फिर दिसंबर में। नन्ही सी चाल में, ट्रेन में बहुत सारे लोग कितनी सारी मस्ती मार रहे हैं, और ये मस्त धीरे धीरे छुप छुप करके ट्रेन चलती जा रही है। सौंधी खाक सी, बर्फियों की फाक सी, नाजुक और मीठी है ये मुस्कुराहटे। थोड़े सपने देखने दो मन की आंखें, दिल को भी अब खोलने दो, खुल के बातें बोलने दो, महकी महकी आस दो नजरा।
स्टेशन आ गया उधर और हम पहुंच गए स्टेशन। ये आ गया है अमन लॉज स्टेशन। हम लोग आ गए माथेरान से अमन लॉज बाय टॉय ट्रेन। और ये तो सब चलता ही रहता है, बहुत स्लो चलती है, बहुत ही स्लो चलती है। मतलब अपन पैदल चल के चढ़ सकते हैं, इतना स्लो चलती है। छोटी सी ट्रेन है तो इतना डर नहीं लगता। तो ये है हाँ टॉय ट्रेन जिसमें अभी हम लोग आए। बहुत अच्छा था, बहुत सही थी, एक बार तो एक्सपीरियंस करना चाहिए। हम लोगों ने टिकट ली थी, मुझे बिल्कुल लास्ट वाली जो टिकट बची थी वो मिली थी बाई चांस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और माथेरान की बाकी वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज देख लेना। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। नहीं, सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए।